मुझे ऐसा कुछ बोला ही नहीं। पांच बार बताया नॉर्मल लैंग्वेज में बताया ना, हिंदी में बताया, ठीक है का प्रॉब्लम। हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज संग्राम सिंह। दोस्तों आज का जो व्लॉग है, आज की जो कहानी है, ये मेरी तरह ना जाने कितने हजारों लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है। ना जाने ही कितने लाखों लोग ऐसे हरेस होते हैं, ऐसे परेशान होते हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करने के बाद भी। आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, समस्या है क्या भैया? तो ये देखने के लिए आपको ये व्लॉग एंड तक जरूर देखना पड़ेगा, तो साथ में बने रहिए। कोशिश करूंगा कि जो हुआ है, जो हो रहा है, जो होगा, उसे अच्छी तरह आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं, अच्छी तरह आपको समझा सकूं, ताकि ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। लेकिन कहानी हो सकता है कि थोड़ी बड़ी हो, थोड़ी खींची जाए, तो कहीं बैठकर बातचीत की जाए। लेट्स गो। ओके, सो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक्चुअली शुरू हुई थी एक सपने से, सपना एक्टिंग का, वीडियोस बनाने का, वीडियोस बना के उसे यूट्यूब पे अपलोड करने का। मैंने आज से 1.5 साल पहले यूट्यूब की जर्नी शुरू की, एक वीडियो बनाया था स्टार्टिंग में, माँ का प्यार, यस, पीछे मंदिर है, घंटी भी बज गई, आशीर्वाद भी मिल गया ऊपर वाले का। तो एक वीडियो बनाया था माँ का बदला, माँ का प्यार नहीं, माँ का बदला। वो बना करके, मतलब वीडियो शूट करके रखा हुआ था मेरे भाई के मोबाइल से, और एडिटिंग के लिए कोई मिल नहीं रहा था, भैया हमको एडिटिंग आती नहीं थी। तो हमने क्या सोचा कि एक लैपटॉप खरीदते हैं और खुद एडिटिंग सीखते हैं और वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो हमने टाटा कैपिटल से लोन लिया, एक्चुअली लैपटॉप था 40,000 का, तो मैंने 10,000 भर दिए पहले, और बाकी जो अमाउंट था वो लोन पर था। और टाटा कैपिटल का जो भी लोन था वो मेरे इंडसइंड बैंक से कट के जा रहा था, और अच्छी तरह लिंक हो गया, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर फिक्स, वो लोन क्लियर कर दिया 8 महीने में, और उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और उसी लोन के ठीक 2 महीने बाद मैंने मोबाइल लेने की सोची, वीवो V11, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मैं अच्छी क्वालिटी के वीडियोज़ बना सकूँ। तब मुझे DSLR कैमरा भी आ सकता है, ये सारी चीज़ें नई नॉलेज थी। तो मैंने 23,500 का ये जो मोबाइल जिससे शूट हो रहा है वो लिया, और इसमें भी मैंने 11,000 भरे, और बाकी जो अमाउंट था वो लोन पर किया। और लोन लेने के 5-6 दिनों के अंदर ही मैंने जहाँ से मोबाइल लिया था शॉप से, वहाँ पर 2 बार फॉर्म भर के दिया कि जो अमाउंट है, जो EMI मंथली कट के जाएगा, वो डायरेक्टली मेरे बैंक से, इंडसइंड बैंक से कट के जाए, मुझे जाकर भरना ना पड़े या मुझे ऑनलाइन भरना ना पड़े, वो डायरेक्टली मेरे बैंक से कट के जाए। और मैंने सोचा कि शायद मेरे साइन की कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा होगा, जो लोन अकाउंट है वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं हुआ। और फिर मुझे SMS आने लग गया, मुझे कॉल आने लग गया हर महीने कि आप भर दो। तो मेरा जो EMI है उसकी डेट थी 2 तारीख हर महीने की, कि इस तारीख को आपको पे करना है, लेकिन भैया हमारे अकाउंट से कट के नहीं जा रहा, तो हम क्या करें? तो हमें जो लिंक आता था SMS का, हम उस पर क्लिक करके अमाउंट भर देते थे। और ये सिलसिला अभी लास्ट EMI, मेरा EMI ख़त्म हो गया इस मोबाइल का, वीवो V11 का, पूरा ख़त्म हो गया। ये जो किस्सा है ये लास्ट महीने तक चलता रहा, आखिर तक उन्होंने मेरा अकाउंट लिंक नहीं किया, यहाँ तक कि उनका एक ऑफिस था वाशी पाम बीच रोड पे, सानपाड़ा के यहाँ पे, मैंने वहाँ पर बाकायदा जाकर 3 बार फॉर्म भरे, ये प्रूफ भी है मेरे पास। 2 बार मैंने ऐसे भर के दिए जो नॉर्मली भरते हैं फिल करके, लेकिन 3री बार मैंने, उन्होंने क्या सजेस्ट किया, आप जाइए बैंक से स्टैम्प मार्कर लेकर आइए, ताकि अगर शायद आपकी साइन की प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा अगर आप बैंक का स्टैम्प लेकर आओगे। तो मैं वाशी सानपाड़ा ब्रांच में गया इंडसइंड के, वहाँ से बाकायदा स्टैम्प लेकर आया और फॉर्म दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, या क्या किया मुझे कुछ भी पता नहीं, ना मुझे कभी उनकी तरफ से कोई मैसेज आया कि आपको जाकर बैंक को कॉन्टैक्ट करना, आपको यहाँ पर कांटेक्ट करना, आपको वहाँ पर कांटेक्ट करना है। सिर्फ उन्होंने कहा कि आप जाइए, आप बजाज फिनसर्व के वाशी जो ब्रांच है वहाँ पर जाइए और फॉर्म दोबारा भर के दीजिए। तो ये किस्सा मैंने 5 बार किया, और जो लास्ट फॉर्म मैंने भर के दिया स्टैम्प के साथ, उसका स्क्रीनशॉट भी है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा, मैं ज़रूर डाल दूंगा। उसके बाद भी मुझे हर महीने मैसेज आते थे कि 450 आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं क्योंकि आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, तो इसके कारण हम आपको 450 चार्जेस लगाएंगे, और उसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो भैया अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी जो अमाउंट है, जो लोन अमाउंट था वो तो क्लियर हो गया है, लोन तो समाप्त हो चुका है, तो भाई अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी लोन भी समाप्त हो गया है ना, ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन लोन ख़त्म हो गया, मैंने फाइनल अमाउंट पे कर दिया, 1134 मेरा पूरा क्लियर हो चुका है,
लेकिन ये लोन क्लियर होने का, जब मैं उनके नए ऑफिस गया था, उनका भी नया ऑफिस पाम बीच गैलेरिया यहाँ पर खुल चुका है, तो उन्होंने मुझे चिट्ठी थमाई, ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट थमाया, और ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को मद्देनजर रखते हुए 2700 रुपीस अभी भी भरने बाकी है। यानी मोबाइल मैंने लिया कुछ 23500 का, 22500 मुझे अभी क्लियरली याद है, और उसके बाद ये 2700 एक्स्ट्रा चार्जेस, और वो कहते हैं कि जो अमाउंट है ये बाउंस चार्जेस नहीं है, क्योंकि जो है ये उनकी तरफ से नहीं लगा है, ये जो है ये मैंडेट चार्जेस है, मैंडेट रिजेक्शन सर्विस चार्जेस, ये जो है ये आपके बैंक ने चार्ज किया है क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो लिंक नहीं हुआ। हमने कोशिश की कि आपके बैंक से EMI डिडक्ट करें, लेकिन वो डिडक्ट नहीं हो पाया क्योंकि कुछ कारणों की वजह से, पता नहीं क्या, वो आपके बैंक ने परमिशन नहीं दी, और ये चार्जेस जो है 450 पर मंथ ये आपके बैंक ने लगाया, ना कि बजाज फिनसर्व ने। तो अब भाई हमको बजाज फिनसर्व की तरफ से ना ही कोई नोटिफिकेशन आया, या ना ही इंडसइंड की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो भैया हमको कहाँ से पता चलेगा, हम तो रोज़ ये काम करते नहीं कि हमको पता चले हाँ भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, मुझे जाना है। मेरे से जितना बन सकता था वो मैंने एफर्ट डाला, अकाउंट लिंक करने की सारी कोशिश की, बैंक से थप्पा भी मार के लेके गया, लेकिन नहीं हुआ। अभी 2700 एक्स्ट्रा कौन पे करेगा। इसके बाद मैं गया इंडसइंड में, इंडसइंड में जाने के बाद मैंने वहाँ पर ये बातें बताई कि भाई ऐसा 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 प्रॉब्लम हो गया है, जो भी चीज़ें उन्हें डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की। वहाँ पर एक मैम थी जिन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे समझाया कि इस चीज़ में हम कुछ नहीं कर सकते, इस चीज़ के लिए आपको या तो जो इंडसइंड का लोन डिपार्टमेंट है उनके कस्टमर केयर से बात करनी होगी, या तो बजाज फिनसर्व का जो डिपार्टमेंट है उनसे बात करनी होगी और उन्हें ये प्रॉब्लम समझानी होगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वेव ऑफ वगैरह का पता नहीं क्या। और हाँ मैं गया था बजाज फिनसर्व के ऑफिस में जो नया खुला है वहाँ पर, और उस कर्मचारी से जब मैंने बात की तो उसने क्या कहा, आप ये सुन लीजिए। तो फाइनली बजाज फिनसर्व के ऑफिस आ चुके हैं और देखते हैं अंदर जाके कि क्या होता है भाई। उम्मीद है कि सब हमारे फेवर में आए क्योंकि हमारी कोई गलती तो है नहीं, फिर भी देखते हैं कि क्या करते हैं ये लोग, अभी हमें किस तरह परेशान करते हैं, हमारी प्रॉब्लम का हल, हमारी जो तकलीफ है उसका हल हमें देते हैं, लेट्स सी। संग्राम राम सिंह, और ये अभी मैंने लास्ट 2 तारीख को भी मेरे को कॉल आया, तब जाके मैंने भरा, मेरे अकाउंट में हमेशा पैसा रहता था तो, लेकिन फिर भी वो कट के नहीं जाता था क्योंकि लिंक ही नहीं हुआ, और मैंने 4 बार ट्राई किया। तेरा स्टेटमेंट है टिल डेट तक, ठीक है, तेरे को इतना चार्जेस लगा 2700 रुपये, बरोबर 2730 रुपये चार्जेस लगा है, ये देख सब स्टोर रिमाइंडेड टू जे, ये देख पूरा माइंडेड टू जे, माइंडेड टू जे बाउंस चार्जेस नहीं है, अगर बाउंस रहता था ना भाई, तेरे को बाउंस रहता था ना, बाउंस में आता था, बाउंस नहीं देना, कंटिन्यू मैंडेट रिजेक्ट हो गया, तेरे बैंक ने क्लियर से नहीं दिया। अभी क्या कर पता है क्या, अब किसी की तरफ कॉल आ रहा है पैसे भरने के लिए, हाँ मुझे उसको कॉल सीधा, देख भाई बोलना इसमें मेरी तो गलती नहीं है बोलना, इसमें बैंक का इशू था बोलना, तो कुछ कम ज़्यादा होगा तो वेवर करके तो बोलना, कम ज़्यादा मैं भर दूंगा बोलना। अरे ऐसे कैसे भर दूंगा मैं, मेरा कुछ गलती नहीं है इसमें, मैंने 4 बार लगातार फॉर्म भर के दिया, एक बार बैंक से स्टैंप लाकर भी भर के दिया। अगर अब मुझे अगर यहाँ से मुझे कॉल आता और बोलते कि बैंक से नहीं हो रहा तो मैं बैंक में जाके बात करता, लेकिन मुझे ऐसा कुछ बोला ही नहीं। 5 बार बताया, लेकिन पैसा तो मुझे भरना पड़ रहा ना, अगर आपको बजाज कंपनी मुझे पहले बोल देती कि भाई आपके बैंक, आपके बैंक से जाके कांटेक्ट करो, तो मैं बैंक से जाके कांटेक्ट करता। अरे तो एक एक को कॉल तो बराबर करते ना आप लोग पैसे के लिए, कॉल नहीं करते भाई, तेरा रिजेक्ट हुआ है क्या है हुआ है तो करते ना कॉल, तेरा फर्स्ट ईएमआई नहीं गया, सेकंड ईएमआई नहीं गया, तो फिर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं जा रहा, बैंक में जाके पूछना है, ठीक है, हमारे पास दिन के 100 फॉर्म आते हैं, ऐसा है ना, क्यों आते तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मैं 5 बार गया वाशी, फॉर्म बैंक से जाकर स्टैम्प मारकर लेके आया। अभी कलेक्शन से बात करना पड़ेगा, जो भी है आपको कॉल करना है, ठीक है, मैंने प्रूफ भी दे दिया, अगर बाउंस होता तो बोलता था, लेकिन आपके बैंक ने क्लियरेंस नहीं दिया। तो अभी इस चीज़ में आप लोग क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, अभी वही देखेंगे। तो जैसे सुना आपने, फाइनली उसका कहना ये था कि भैया हमने आपको सब हिंदी में समझा दिया है, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए आपको आपके बैंक ही जाना होगा।
और एक सबसे जरूरी बात, जब इन लोगों का कॉल आता है, जब मुझे इन लोगों का कॉल आया कि चार्जेस भरो, तो उनकी एक धमकी तो हमेशा होती थी, आपका सिविल खराब हो जाएगा। उनका ये हथियार है कि आपका सिविल खराब हो जाएगा, आपका सिविल खराब हो जाएगा, आपका सिविल खराब होगा, आपके सिविल पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके सिविल पर 2.5 किलो का हाथ पड़ेगा। तो भैया आदमी क्या सोचता है कि सिविल खराब हो जाए, कभी इन फ्यूचर लोन लेना हो तो हम कहाँ से लेंगे, हमारा तो सिविल की बैंड बच जाएगी। अब ये जो प्रॉब्लम है, एट लास्ट क्या करता है आदमी हार कर पैसे भर देता है, क्या भैया हमारे सिविल की वाट लग जाएगी, दुर्गति हो जाएगी, तो हम आगे जाकर लोन नहीं ले पाएंगे, कभी कुछ प्रॉब्लम होगी या किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। तो यही है कहानी। तो अब क्या होगा क्या नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि उनसे कस्टमर केयर में बात करूं और ये जो अमाउंट है ये ना पे करूं, क्योंकि दिस इज़ नॉट माय फॉल्ट, ये मेरी मिस्टेक नहीं है, मेरे से जो भी एफर्ट हो सकता था मैंने कर दिया, लेकिन जितना एफर्ट हो सकेगा उतना डालूंगा भैया। लेकिन एट लास्ट अगर नहीं भरूंगा तो वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों के पास एक और हथियार है, इंटरेस्ट। ये जो 2700 है इस पे इंटरेस्ट जोड़ जोड़ कर भैया 270,000 बनाने की भी वो लोग कम नहीं करेंगे। और फाइनली ये किसे पे करना होगा। तो भैया इसी के साथ आज का ये व्लॉग समाप्त करते हैं। अगर किसी ने ये दिक्कत ये परेशानियां झेली है बजाज फिनसर्व के साथ, कोई ऐसी दुविधा ऐसी सिचुएशन में है, तो भैया कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, नए हैं लाइक करें, शेयर करिए, ये जो एक्सपीरियंस है इसे सभी के पास पहुंचने दीजिए, ताकि सब इससे कुछ ना कुछ सीख सके। पता नहीं मैंने कितनी चीज़ें कवर की, कितनी चीज़ें कवर नहीं की, कोशिश की कि सारी चीज़ें कवर कर पाऊँ, कोशिश की कि आपको अच्छी तरह ये सारी चीज़ें समझा पाऊँ कि आपको आगे ये प्रॉब्लम ना हो। और बस यही समाप्त करते हैं, नए हो सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक बात हमेशा याद रखने का, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का। बाय बाय, टेक केयर।